दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद के मद्देनजर इमाम बुखारी ने शाही जामा मस्जिद को दोबारा बंद करने का इशारा दिया है। अपने खिताब में इमाम बुखारी ने कहा कि खतरनाक हो रहे हालात के मद्देनजर यही एक रास्ता है, लेकिन आखिरी फैसला लोगों के साथ बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने मुल्क भर के इंतजामिया से मजहबी मकामात खोलने पर दोबारा गौर करने की अपील की। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 8 जून को मुल्क के ज्यादातर रियासतों में मजहबी मकामात खोल दिए गए थे। इसी कड़ी में उस दिन से राजधानी के शाही जामा मस्जिद को भी नमाज के लिए खोल दिया गया था, लेकिन हालात खराब हो रहे हैं और इमाम बुखारी की ये बात सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। दिल्ली जामा मस्जिद जब पीर के रोज खुली तो काफी खुशी लोगों में थी कि उन्हें फिर से मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन दूसरी अब यह खबर भी आ रही है कि मस्जिद को जल्दी ही बंद किया जा सकता है। इस सिलसिले में कल एक लंबी तकरीर इमाम बुखारी ने की और उसको व्हाट्सएप पर भी लोगों को भेजा गया, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो इस बात को देख रहे हैं, कोरोना के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है, कई तरह की खबरें भी आ रही है जब लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा। इस बाबत वो अब राय मशवरा कर रहे हैं कि क्या मस्जिद को खोलना सही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 1-2 दिनों में यह फैसला ले लिया जाएगा कि मस्जिद को फिर से बंद किया जा सकता है। साथ ही दूसरी मस्जिद के लिए भी उन्होंने कहा कि देश भर में जो अलग अलग जगहों पर मस्जिदें हैं वहां पर भी इस बात पर गौर किया जाए। इस सब के बीच एक दूसरी खबर दिल्ली जामा मस्जिद से अब ये भी आई है कि जो इमाम बुखारी के पीएस है अमानुल्लाह साहब, उनका इंतकाल हो गया और इमाम बुखारी ने हमसे फोन पर बातचीत करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि उनकी जो रिपोर्ट थी कोरोना की वो पॉजिटिव आई थी। हालांकि इमाम बुखारी ने यह भी कहा कि वो उनको और कई बीमारियां थी, चाहे डायबिटीज हो या हार्ट के पेशेंट भी थे वो, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव उनकी आई थी, इस बात को भी इमाम बुखारी ने कहा है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि पिछले काफी दिनों से वो जामा मस्जिद नहीं आए थे बल्कि वो अपने ओखला घर में रह रहे थे और करीब 7 दिन पहले उन्हें तेज बुखार हुआ था, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। सफदरजंग में उनका इलाज चल रहा था जहां उनका इंतकाल हो गया। अब दो खबरें जामा मस्जिद की है, एक इमाम बुखारी साहब के जो पीएस थे उनका इंतकाल हो गया, दूसरा जल्दी ही जामा मस्जिद को फिर से बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। कैमरामैन आरडी के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।